हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल क्विजीन गैलरी में। आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि यूपी और बिहार में काफ़ी फेमस है और जिसका नाम है लौंग लता, या फिर इसे आप लौंग लतिका भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने की आसान रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है मेजरिंग कप से नाप कर, और अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 2 से 3 छोटे चम्मच देसी घी मोयन के लिए। साथ ही ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल मोयन के लिए। आप चाहें तो केवल देसी घी का ही मोयन दे सकते हैं या फिर केवल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ मिला कर ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है, मतलब कि हमारी मोयन की मात्रा परफेक्ट है। इसका टेक्स्चर देखिए कुछ ब्रेड क्रम्स की तरीके से हो चुका है और ऐसा ही हमें बिल्कुल चाहिए। और अब हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका सख्त लेकिन नरम आटा गूंथ कर तैयार करना है। तो पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को अच्छे से मसलते हुए मारते हुए गूंथेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आटे को गूंथकर मैंने तैयार कर लिया है और अब इसे हम एक साफ सूती कपड़े से ढक के रख देंगे। कपड़े को एक बार पानी से धो के निचोड़ लेंगे और तब इसे ढकेंगे जिससे कि हमारा आटा सॉफ्ट बना रहे, और तब तक हम स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस ऑन करके रखेंगे पैन गर्म होने के लिए, और इसमें डालेंगे मावा। तो यहाँ पर लगभग मैंने 400 ग्राम मावा लिया है। मावे को मैंने घर में ही तैयार किया है दूध जला के। इसकी जगह पे आप चाहें तो मिल्क पाउडर से भी मावा तैयार कर सकते हैं। तो मावे को हमें 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। ध्यान रहे, मावा बिल्कुल नीचे से पकड़ना नहीं चाहिए वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिया है बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और थोड़ी सी किशमिश। आप चाहें तो इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर ड्राई फ्रूट डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच शक्कर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच नारियल का बुरादा, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायची जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। साथ ही मैंने बनाया है मैदे और पानी का घोल इसे चिपकाने के लिए। हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार वापस से कुछ सेकंड्स के लिए इसे अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। और अब इसकी हम लोई तोड़ लेते हैं, जिस साइज की हमें लौंग लता बनानी है उसके अनुसार। और अब इसे हम रोल कर लेते हैं। तो मैंने सारी लोई तोड़ के तैयार कर ली है और अब हम चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में। तो एक लोई लेंगे और इसे इस तरीके से बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम थिकनेस रखनी है इसकी हमें। तो इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके किनारों पे लगाएंगे मैदे और पानी का घोल इस तरीके से, और इसके सेंटर में रखेंगे तैयार की हुई मावे की स्टफिंग। और इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, ये देखिए। पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है इसके ऊपर रखते हुए। फिर इसे पलट लेंगे, वापस से किनारों पे लगाएंगे मैदे और पानी का घोल, और फिर एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से अच्छे से चिपका लेंगे। और इसके सेंटर में लगा देंगे एक लौंग, ये देखिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी लौंग लता बना के तैयार करेंगे। इसे बेलने के बाद इसे किनारों पे लगाएंगे मैदे और पानी का घोल, सेंटर में रखेंगे तैयार की हुई मावे की स्टफिंग। और एक के ऊपर एक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे रखते हुए, और फिर पलट के
वापस से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे बनाना कितना आसान है। तो बिल्कुल इस तरीके से हम सारी लौंग लता बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी लौंग लता बना के तैयार कर ली है, और अब इसके लिए हम तैयार करेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप शक्कर, और उसी कप से नाप कर डालेंगे 1 कप प्लस 1/4 कप पानी। गैस ऑन करके रखेंगे इसे पकाने के लिए। साथ ही ऐड कर लेंगे थोड़े से केसर के धागे अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो थोड़ी सी कूटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। इसे हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस शक्कर के घुलने और गाढ़ा होने तक पका लेना है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती और कुछ शहद की तरीके से चिपचिपी नहीं हो जाती। इसे मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया है, और लास्ट में इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ बूंदे नींबू के रस की, जिससे कि चाशनी हमारी जमे नहीं, यानी क्रिस्टलाइज मत हो। और अब हम चलते इसे तलने के प्रोसेस में। इसके तलने के लिए गैस ऑन करके रखेंगे तेल गर्म होने के लिए। जैसे तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसे डालेंगे तलने के लिए। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है, इस तरीके से उलटते पलटते हुए। इसे हम हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं तलेंगे, वरना ये बाहर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल आराम और पेशेंस से इस तरीके से उलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक तलेंगे। तो ये अब हो चुका है, देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं और तुरंत ही डालेंगे गरम गरम चाशनी में। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी लौंग लता को तल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कलर इसका हमें डार्क नहीं करना है, हल्का सुनहरा ही रखेंगे, और बिल्कुल आराम से उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से तलेंगे। ध्यान रहे लौंग लता चाशनी में अच्छे से डूब जानी चाहिए, और चाशनी में डालने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे चाशनी में अच्छे से डूबा रहने देंगे, जिससे कि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो इसने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। ये गर्म गर्म खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे सर्व करने के लिए इसे हम गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते से, या फिर आप चाहें तो बादाम से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इसे थोड़ा अलग तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डाल के भी सर्व कर सकते हैं। रबड़ी डाल के खाने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रबड़ी डाल के भी इसे मैंने सर्व किया। इसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर से डाल देंगे रबड़ी, और वापस से थोड़े से कटे हुए पिस्ते डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। तो दोनों ही तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ड्राई फ्रूट से गार्निश करके भी सर्व कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए, आप उसे इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी स्वादिष्ट लौंग लता बन के तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।